शुभम दर्शकों, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, श्रावणी नवरात्रि चल रही है। श्रावणी नवरात्रि 26 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है। 29 सितंबर नवरात्रि का चौथा दिन। माँ के इस चौथे दिन पर और चतुर्थी तिथि पर यदि आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए विशेष उपाय लेकर आई हूँ, जिसे यदि आप नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ को हम जो भी चीज़ अर्पित करते हैं वह 9 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे लौंग 9 होनी चाहिए, काली मिर्च अगर अर्पित कर रहे हैं तो वह भी 9 होनी चाहिए, इलायची अगर अर्पित कर रहे हैं तो 9 होनी चाहिए, और साथ में 9 ही दीपक हमें जलाना चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथि पर हमें माँ के समक्ष संपूर्ण भोग लगाना चाहिए और उनके समक्ष श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए, लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। ऐसे में चतुर्थी तिथि पर माँ को आप 9 की गिनती में लाल पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता को लाल पुष्प भी यदि अर्पित कर देता है तो माँ दुर्गा इन 9 दिनों में उसका बेड़ा पार लगा देती है, उसके सभी कष्टों को दूर कर देती है। ऐसे में चतुर्थी तिथि पर यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में आप एक सरसों के तेल का दीपक, जिसमें 11 दाने आप काली तिल के डालें और 2 लौंग, यह दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। शाम के समय 8 बजे से पहले इस उपाय को आपको कर लेना है और गुरुवार के दिन ही सुबह के समय पीपल के वृक्ष में आप मीठा जल अवश्य ही अर्पित करें और हो सके तो माँ शीतला को आप जल भी अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता शीतला को यदि हम जल अर्पित करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे छोटे से उपाय से इस नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा हमारी सभी खुशियों को बढ़ा देती है। हमें हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। 9 दिनों में आप छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और भेंट स्वरूप उन्हें लाल पर्स में आप कुछ भी रख कर दे सकते हैं, जैसे चुनरी रख कर दे सकते हैं या उनकी पसंदीदा चीज़ें, उनके खिलौने।